Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं बुली. तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि ये गेम GTA है स्कूल लाइफ का. इस गेम में हमारे घर वालों ने हमारा एडमिशन एक बहुत बड़े स्कूल में, सॉरी एक बहुत बड़ी अकेडमी में, हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया है, जहाँ से हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते. हमें बस इधर रह के पढ़ाई करनी है, क्योंकि हम लोग पहले बहुत बिगड़े हुए थे, बट जिधर हम पढ़ने आए ना, इधर हमसे भी ज्यादा बहुत खतरनाक बिगड़े बिगड़े बच्चे हैं. आपने पिछले दो एपिसोड्स में देखा होगा कि कैसे आती है हमारे स्कूल में लड़ाई. कुछ दोस्त तो बने, बट वो दोस्त भी बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे, जिन्होंने हमें पढ़ाई की जगह लड़ाई करना सिखाया. खैर ठीक है, स्कूल में अपने दो दिन तो काफी बेकार गए. सबको लगा कि भैया न्यू एडमिशन है, नया बच्चा है, तो बहुत बेइज्जती करी, मारा कूटा पीटा. पर आज से हम लोग अपनी इज्जत बनाना स्टार्ट करेंगे. हम लोग कुछ बड़े बड़े खतरनाक काम करेंगे और स्कूल के डॉन को मारना पीटना शुरू करेंगे, ताकि हर एक बच्चे को पता चलना चाहिए कि स्कूल का डॉन हम है. तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं स्कूल में. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू बुलवर्थ एकेडमी. एक सेकंड यार, आज मैं सुबह जल्दी क्या सो के उठ गया? बाहर भाई लड़ाई वड़ाई चल रही है कोने पे. ये देखो इन दोनों की क्या. अरे ओए ओए भाई, सुबह उठ के ना ना चाय पानी ना गुड मॉर्निंग ब्रश करा तूने? इधर तेरी इधर लड़ाई करनी है ना तेरे को इसके अंदर. रुक इधर, नहीं मानेगा, बैठ इसमें. फालतू में पंगे ले रहा भाई, मैं भी रूम से निकल रहा हूँ, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, कुछ करा नहीं. तू नहीं मानेगा, रुक जाओ. अब सब फिट है, गुस्सा दिला दिया तुमने मेरे को. तू इधर आ, तू उसको समझा के रख. अब से तुम्हें पता चलना चाहिए यहाँ का बदमाश कौन है, ठीक है? तू टीवी में भेड़ दूंगा तेरे को, गेल ले ठीक है. चुप होके एकदम टीवी भी तोड़ो. मैंने आज किसी को कुछ नहीं बोला, कोई लड़ाई नहीं करी, सीधा बाहर निकलते. इधर आ, तू मोटे नहीं मानेगा, तू नहीं मानेगा. अरे एक मिनट, इसको पहले मार के साइड करो. ये क्या है भाई, ऊपर स्केलेटन लटका हुआ. अच्छा भाई, हैप्पी हैलोवीन भाई, लेट्स गो. हैलोवीन आने वाला है, मतलब स्कूल में अब थोड़े बहुत और मजे आने वाले हैं. फिलहाल अभी ना देखो 9 बज चुके हैं और 9 बजते ही स्कूल चालू हो जाता है, तो फटाफट से भाग के चलते हैं भाई पढ़ाई वढ़ाई करने. अरे अभी क्या दिक्कत है भाई तेरे को? अरे एक मिनट रुक जा भाई, जाने दे पढ़ने, जाने दे यार, मैं सर पे टक्कर मार दूंगा बहुत यूं करके. नहीं मानेगा, नहीं मानना इसको. गेल ले, इधर आ, तू भी ले, तू इधर आ. भाई ये सारे क्या है यार, मेरे पास ना भी कुछ तगड़े वेपन आ चुके हैं, बट मेरा इनसे लड़ने का बिल्कुल मन नहीं है. भाई ये तो आवारा है, क्लास में पढ़ने जाता ही नहीं है. मैं अपना निकल लेता हूँ, मेरा पढ़ने का टाइम हो गया. अगर किसी टीचर ने मुझे बाहर देख लिया तो भाई सही बता रहा हूँ, मारेगा अलग. तो जंप करते हैं. भाई उतने अच्छा स्केटबोर्ड अभी नहीं चला पाता भाई. चलो अभी फटाफट से चलते हैं स्कूल में. और अरे 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 भाई, नहीं लड़ाई करनी यार मुझे. भाई क्या है यार, पूरे दिन ये लोग मेरे से लड़ते रहते हैं. चलो यहाँ से जंप मार लेता हूँ भाई मैं सीधा नीचे. और अभी अपनी क्लास है केमिस्ट्री की. चलो भाई एक्सपेरिमेंट करने हैं, लेट्स गो. तो ये है हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर. और केमिस्ट्री क्लासेस के फायदे क्या है, जब भी हम लोग इस क्लास में पास करते हैं तो हमें कोई ना कोई वेपन मिलता है. ओके लेट्स गो. तो अभी बस मुझे बटन टैप करने हैं जो जो इसमें आ रहे हैं. ओके 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 ठीक है. तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है और ये जो कीज का कॉम्बो आ रहा है, मुझे ये फटाक से दबाते रहना है, ठीक है? अबे यार क्यों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सॉरी. लास्ट चांस है, अगर अब खराब कर दिया तो मैं फेल हो जाऊंगा. इजी खत्म कर दो प्लीज. नहीं यार, कंप्लीट हो गया था भाई. क्या फेल हो गए गाइस, कोई बात नहीं. ओ भाई, ओ तेरी की, इसको देखो भाई पकड़ के. अरे भाई क्या हेल्प चाहिए, क्या हेल्प चाहिए बता. नहीं अभी तू इधर देखो भाई, लड़ाई हो रही है, उसको पकड़ के उठा रखा है. हाँ जी बोलो क्या हेल्प है. तो ये कह रही है कि इसको किसी को चॉकलेट गिफ्ट करनी है और ये उसे देने में शर्मा रही है, तो ये चाहते है कि हम लोग उसके लॉकर में चुपचाप रख दे. चलो ठीक है, फिर अपने लिए काम आसान है, इस काम के थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे तो बढ़िया है ना यार. बाकी उसके लिए शायद से मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है. फटाक से भाग के मैं जाता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, जिस बंदे के लॉकर में मुझे रखनी है उसका लॉकर ये वाला है. अरे भाई कौन है तू? ओए किससे पूछ के मार रहा सर? ओ भाई टीचर गया उसे मारने. तो चलो अभी किसी टीचर को पर... अरे अरे मैं फंस गया. सर सॉरी 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 सॉरी, मैं किसी और का लोकर खोल रहा था और ये काम करते हुए मुझे एक टीचर ने देख लिया. मैं जंप मार के भाग रहा हूँ यार, चोरी चक्कारी वाले काम प्लीज मत करवाओ भाई. चलो कोई नहीं, एक बारी भाग के दोबारा से चलता हूँ मैं ट्राई करने. तो ये है वो लॉकर और मुझे इसे ओपन करना है, ठीक है? लेफ्ट घुमाना है, राइट घुमाना है, खुल गया. बस इतना इजी काम है भाई, हो गया. ओ वाओ, हमें $10 मिल चुके हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है भाई. अबे यार भाई स्कूल थोड़ी बोलते को सर ये मार रहा था पहले. हाँ बढ़िया, उसको मारो. चलो 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 भाई, अभी वॉट लगने वाली है अपनी, क्योंकि मेरे पीछे एक टीचर मुझे मारने आ रहा है. बट उससे पहले मैं काम करता हूँ, अपनी इंग्लिश की क्लास है इसमें चलते हैं. हेलो हेलो, ये हमारा इंग्लिश वाला टीचर. और अभी हम लोग इंग्लिश में हर साल फेल हो रहे हैं. तो भाई देखो इंग्लिश का काफी ईजी होता है एग्जाम, बट ना हमें ऐसे वर्ड्स बनाने होते हैं जैसे. तो हमें बस वर्ड बनाने हैं इनसे, जैसे ओ डब्ल्यू और एल. एंटर एंटर किससे? एंटर. तो एक वर्ड हो गया. अब जैसे बन सकता है लो, क्योंकि लो भी एक वर्ड है.
एंटर। लो हो गया, और क्या हो सकता है? मेलो। एम ई म्यूल वर्ड बन गया भाई, एक नया। एम ई एल एल ओ डब्ल्यू एंटर। अभी क्या क्या बन सकता है यार? आउल बन सकता है, डब्ल्यू एल एंटर। आउल हो रखा है। वेल बन सकता है, वेल। और भाई अभी हमें चार पांच वर्ड और बनाने हैं भाई। एम ओ डब्ल्यू मो, ओ वर्ड है ये भी। ऑल वर्ड होता है क्या कोई? मेल वर्ड होता है कोई? कहीं देखो, अभी ना मैं बस तुक्के भेड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस बार फेल नहीं होना चाहता। पास होने के लिए जो आपको 48% दिख रहा है ना, ये अपने को ग्रीन चाहिए। ओ पास, एक ही वर्ड करना था और मैंने तुक्का भेड़ा, हो गया। एक वर्ड वैसे मेरे माइंड में और आ रहा है, एम ई डब्ल्यू एंटर। तो देखो अभी थ्री लेटर्स के तीन चार वर्ड बन सकते हैं जो कि इसमें से पड़े हैं। ई एल डब्ल्यू, ये कोई वर्ड होता है क्या? नहीं। और क्या है? कहीं से कुछ ना कुछ तुक्के तो भेड़ते रहने पड़ेंगे ताकि वर्ड्स बने। भाई 70% हम लोग पास हो चुके हैं, अभी मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुक्के बट मैं भेड़ सकता हूँ और ओलम। चलो भाई, हमने 70% के साथ ये एग्जाम पास कर लिया है, लेट्स गो। ये रसल कहाँ से आ गया? क्या हो गया भाई तेरे को? मेरे से मत बात कर अभी। तो अभी हमें इसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी यार। ये चाहता है हमेशा से सब इसकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि ये समझता है कि सबसे बड़ा स्कूल का डॉन ये है। चलो गाइस, काफी ज्यादा रात हो चुकी है, आज तुमने काफी पढ़ाई वढ़ाई कर ली, और ये टीचर मेरे पीछे, मैं जा रहा हूँ सोने। भाई अभी तो स्कूल खत्म हुआ सीधा, ये मतलब पता नहीं क्या जबरदस्ती है भाई। ये बच्चे सारे अपना यहाँ पे बाहर घूम रहे हैं, मैं बाहर घूम रहा हूँ तो भाई मार पिटाई पड़ रही है। वैसे गाइस देखो, सर्दियां आ रही है ना तो जल्दी रात हो जाती है, तो वही सेम सीन यहाँ पर भी है, इसीलिए इतनी जल्दी अंधेरा हो गया। बट एक सेकंड, मैं यार अपने बॉयज डॉर्म का रास्ता भूल गया यार। चलो कोई बात नहीं, मैं मैप को देखते देखते फॉलो करते हुए पहुंच जाता हूँ। जल्दी सोते हैं, कल दोबारा से उठ के पढ़ाई वढ़ाई करनी है, बहुत सारे काम करने हैं, लेट्स गो गाइस। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बॉयज डॉर्म में, जल्दी से चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई यहाँ पर क्या सीन चल रहा है भाई। अरे देख, मेरा ना लड़ने का मन बिल्कुल नहीं समझेगा ना, तू नहीं समझेगा, चुपचाप बैठ इसमें, दिमाग खराब। मैं सीधा जा रहा हूँ भाई अभी सोने, कल मिलते हैं, गुड नाइट। All right guys, good morning. फटाक से हम लोग सोकर उठ चुके हैं और अपने पास एक दो मिशन है, तो क्यों ना आज थोड़ी सी पढ़ाई स्किप करके कुछ टास्क कर लिए जाए। देखो यार, उसके लिए ना मुझे सीधा स्कूल में जाना है, फटाक से चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। कैसे यार, देखो मैं स्कूल में तो आ चुका हूँ, बट जस्ट अभी ही एक क्लास को आज मैं इधर आते, प्रिंसिपल रूम तेरी भैंस की, एकदम स्कूल के मेन हॉल में मारूंगा इसको। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ भाई, आराम से, किसी को कुछ नहीं बोला भाई, आके पटक दिया ऐसे बंदे ने। वैसे उठा के तो उसको मैंने पटका है, बट यार खाली पीली पंगे ले रहा है यार। देखो अपने पास एक मिशन है करने के लिए, या फिर मैं आर्ट रूम में जा सकता हूँ। मैं यार तेरी ना कोई हेल्प नहीं करूंगा, मेरा ना दिमाग मत खराब कर, ठीक है? निकल यहाँ से, कोई दिमाग खराब नहीं चाहिए मुझे। आज मैं पढ़ने नहीं जा रहा गाइस, आज हम लोग चलते हैं कोई मिशन करने, या फिर मैं सिर्फ घूमूंगा। भाई देखो अभी ना मैं स्कूल के बाहर आ चुका हूँ, बहुत गाइस देखो अभी ना मैं सीधा अपने क्लासरूम में आ चुका हूँ। आज पढ़ने वढ़ने नहीं जा रहे, क्योंकि आज भाई देखो हैलोवीन चालू हो चुका है, तो कपड़े वपड़े चेंज कर लिए भाई, और अपना दोस्त है गैरी। आज शायद से कुछ तो मस्ती होने वाली है, क्योंकि हैलोवीन नाइट है, तो सब लोग अपने अपने कॉस्ट्यूम पहन कर आए हैं, और जिमी ने तो भाई अलग ही पहना हुआ है। गैरी के दिमाग में कुछ तो खतरनाक प्लान है, और ये देखो भाई यहाँ क्या चल रहा है, रसल आ रहा है भाई, और सब लोगों ने क्या मस्त मस्त कॉस्ट्यूम पहन। अरे भाई मेरे से क्यों लड़ रहे हैं लोग? मेरे से ओई, ओ भाई हटो बे, ओ तेरी, एक मिनट। अबे भाई ये बंदे में बहुत जाना है यार। ओ तेरी, ओ भाई WWE है क्या? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, अभी नहीं मैं भाग रहा हूँ भाई, पागल हो गई भाई साहब, ये क्या चल रहा है भाई? हेलोवीन नाइट है और सारे देखो क्या बढ़िया बढ़िया कॉस्ट्यूम में। अबे भाई तेरे को पूरे टाइम हेल्प ही चाहिए। अरे नहीं तेरे को नहीं, रुक जा, तेरे को नहीं कह रहा था मैं। अरे यार तेरे को कहीं नहीं रहा था भाई, मैं मर जाऊंगा भाई, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे जाने दो यार, मेरे को जाने दो, प्लीज जाने दो भाई, नहीं लड़ाई करनी यार आज के। अबे कोई तो बचाओ इनसे, मेरे अंदर जान नहीं बची है लड़ाई करने की। भाई मैं ना इनसे जैसे जैसे बच के निकल तो चुका हूँ, सामने ना कोला है, वो पी लूंगा तो बहुत ज्यादा सही रहेगा। लेट्स गो, पहले ये पिलाओ भाई जल्दी जल्दी, हेल्थ बढ़े मेरी। हाँ भाई, ओ कुछ बड़े लोग मेरी हेल्प मांगने आए, एक मिनट रुक जा भाई, कुछ खा पी लूं, थोड़ा पैसे बहुत है, हेल्पफुल हो जाएगी भाई इन सब चीजों से मेरी। हाँ जी भाई साहब बोलो, क्या दिक्कत है? अरे नहीं, लड़ाई नहीं, मैंने गलती से लड़ाई करी है भाई। हाँ मैं तेरी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ यार, मैंने खाली पीली इस बंदे से लड़ाई कर ली यार, वो मेरे को थोड़ा सा जानता मानता है इसलिए मार नहीं रहा, वरना अब तक तो बहुत मारता। तो शायद अभी मुझे यहाँ पर जितने बंदे आ रहे हैं ना सबकी हेल्प करनी है। तो देखो गाइस अभी ना मैप पे मुझे बहुत सारे ब्लू मार्कर्स दिख रहे हैं, पता नहीं ये सब क्या चीज है, बट एक बार चल कर देखते हैं। क्या ये जो लोग आ रहे हैं भाग के हैलोवीन आउटफिट में, मेरे को इनसे बात करनी है क्या? ओके, तो इसने मुझे कंचे बैग ऑफ मार्बल दिया है, और ये कह रहा है कि किसी एक स्टूडेंट को ना इस कंचों के नीचे बिछा के गिरा दो। रुक जाओ भाई, किसे फेंके, एक सेकंड रुक जाओ, इसको करूँ क्या? रुक जाओ, अगर मैं इसको गिरा दूं यहाँ पे, रुक जाओ, ये ऐसे गिरा दूं क्या? गिर लो भाई, मैंने ना गाइस यहाँ पर बहुत सारे कंचे गिरा दिए हैं, और इसके पैरों पे भी गिरा देता हूँ, ये ले, कोई ना कोई तो इसके ऊपर आके जरूर गिरेगा, ये ले, गिर, अरे जाना यहाँ से। देखो गाइस यहाँ पर ना मैंने बहुत सारे मार्बल्स गिरा दिए, बट कोई भी बच्चा इधर भाग के ना आ रहा है ना गिर रहा है। मैं यहाँ पर थोड़े से और गिरा देता हूँ, इसको मार
मार के लाऊं क्या? ओए इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। सर सर सर, नहीं 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 नहीं, दोनों गिर गए, वो भी गिर गया। लेट्स गो, प्रैंक कंप्लीट। भाई मैंने गलती से ना यार टीचर के साथ पंगे ले लिए। रुक जा भाई, टीचर वीचर पीछे पड़े, तेरी हेल्प करता हूँ मैं। भाई ये कौन चल कर आ रहा है सामने से? ये स्टूडेंट है क्या? भाई कुछ कुछ बच्चे तो अभी भी ऐसे ही। अरे सॉरी सॉरी सर, मेरे पीछे भाई। फाइंड सम प्रैंक्स टू प्ले ऑन स्टूडेंट्स। ओके भाई, पहले अपनी जान बचा लो, फिर स्टूडेंट से पंगे वंगे लेते रहूंगा। ओके ओके ठीक है, इधर से एक बंदा आ रहा है। हाँ भाई, हाँ भाई, फुल हेल्प। ये ले, इसने मुझे दिया है एक वोल्केनो बॉम्ब। गेट क्लोज टू सम स्टूडेंट्स एंड प्रेस ऑल टू लाइट एंड ड्रॉप द वोल्केनो। ओए तेरी ऐसे की तैसी। ये ले, नाउ स्टैंड बैक एंड वॉच। अच्छा वो एक अनार नहीं है, वो एक बम है जो कि एंड में फूट जाएगा। तो गाइस सामने ही जो अनार लगा रहा है बम था भाई, वो लोग एंजॉय कर रहे थे और एंड में फूट गया। भाई ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक ही प्रैंक है यार, बंदा जलजुला जाएगा भाई इसके चक्कर में। क्या ठीक है, एक और बंदा आ रहा है सामने से भाग के। हाँ हाँ तेरी फुल हेल्प करूंगा। भाई ये सबसे मजेदार दिन है भाई स्कूल का, बंदे कुछ भी करवा रहे हैं। इसने मुझे बॉम्ब दिए और कह रहा है कि किसी 3 स्टूडेंट के मार दो। तो पहला तो तू ही है, लूजर बोलेगा। ये ले, तू एक सेकंड रुको, इसको भी मार देते हैं। ये एक लड़का यहाँ पे खड़े होकर टाइम पास कर रहा है। ये ले भाई, 3 स्टूडेंट के मारे, 2 के मैं बजा चुका हूँ। कोई एक और ढूंढता हूँ जो किसी टीचर के पास नहीं है। ये खड़ा भाई है, ये ले। चलो भाई अबे 5 के मारना है। ये ले तू भी ले, एक जन और बचा, इसके भी देते हैं। अच्छा नहीं, 3 के ही मारना था, हो गया। टोटल हमें 5 प्रैंक करने हैं, तो टोटल हमें 5 प्रैंक करने थे। 3 प्रैंक मैं कर चुका हूँ, 2 मुझे और करने हैं। यहाँ पर एक बंदा आ रहा भाग के। हाँ भाई, अच्छा हाँ तेरी हेल्प। यस बता भाई, इसने मुझे एग्स दिए और क्या करना है? एग्स का बच्चों को मारना है क्या? ये ले अंडा खा। ये खड़ा है, तू भी अंडा खा। हंस क्या रहा है? ये आ रहा है इधर से भाई, ये देखो इसको क्या बनाऊं। ये ले तू भी अंडा खा। चलो भाई प्रैंक कंप्लीट, अभी 2 प्रैंक और बचे हैं। और ये अपने पास से संभाल के रख लेते हैं यार, बाद में काम आएंगे। जब तक के लिए स्केटबोर्ड से चलते हैं भाई, फुल स्पीड में भागते हुए। यहाँ पर चलता हूँ भाई, इधर तो बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे रुको 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 रुको। हाँ अरे बस। अरे भाई भाई, इन लोग की तो लड़ाई चल रही है। अरे बाप रे, अरे अरे अरे, बेसबॉल बैट नहीं डंडे से मार रहा है। हाँ बताओ भाई, इसने क्या दिया है? इचिंग पाउडर। ओ खुजली करने वाला पाउडर दिया उसने मुझे। भाई लगाऊं कैसे? ये रहा भाई, तो ये पाउडर अगर मैं इसके दे दूं, भाई भाग गया। रुक जाओ, यहाँ पर ये लड़की आई है, इसको दे देते हैं भाई। वो देखो उसके इचिंग पाउडर मारा, उसे बहुत खुजली होने लगी है। ठीक है तू भी ले, खुजली होगी इसको भी। लेट्स गो भाई, पास कर दे अपने सारे मिशन। और यहाँ पर एक और मिशन अनलॉक हो चुका है। ये क्या है? ये कोई तो कोई तगड़ी जगह लग रही है। द बिग प्रैंक, मिशन का नाम ही द बिग प्रैंक है। ओके ठीक है, तो अभी इसने मुझे बस इतना बोला कि हमें ये जो डॉग है ना पिटबुल, इसको पटाना है खिला पिला के। अरे भाई ये कौन है, पागल है क्या? अरे देखो भाई मैं मार दूंगा, एक मिनट रुक जा पहले डॉग। अरे इसको मार दूं क्या मैं? दिमाग खराब कर रहा है। चाप यहाँ पे लेटर है। चलो अभी हमने डॉग को सेट कर लिया हड्डी वड्डी खिला के, अभी डॉग जो हम कहेंगे वो करेगा। उसने पॉटी करके साफ भी कर दिया भाई डॉग ने। ओह तो हमने उसे हड्डी नहीं दी, उसे कुछ खिलाया पिलाया, फिर उसे अपना निकाला और उसको हमने इसमें भर लिया है। भाई इतने भी ज्यादा प्रैंक नहीं करते थे हम लोग स्कूल में, बट हाँ बुली है तो कुछ ना कुछ तो एक्सट्रीम हो गई। चलो ठीक है, अब ये पक्का मुझे किसी ना किसी के मुंह पे बजानी है या फिर देनी है या पता नहीं क्या करना है, बट जो भी है मजे बताने वाले हैं। गाइस देखो अभी ना मुझे गैरी की पूरी प्लानिंग समझ में आ गई है। भाई ये ना अपना बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का दोस्त है। तो इसने बोला कि ये जो पैक है ना जिसमें हमने उस पिटबुल डॉग का पू भरा हुआ है, इसके थ्रू हम लोग टीचर से मजे लेने वाले हैं। तो स्टाफ रूम के बाहर मुझे इसने ये बैग रखने के लिए बोला है, और पता नहीं है भाई मुझे क्या हरकत करना चाह रहा है। ये बैग इसने रखा और उसमें लाके बम आग लगा दी। भाई मैं छुप रहा हूँ इसके अंदर, और अभी हमें फायर अलार्म बजाना है ताकि सारे के सारे टीचर बाहर निकले। ये लो भाई मैंने बजा दिया, भागे। ओ भाई टीचर आया। ओ छी भाई उसके पैर वैर में लग गया। क्या है क्या कराते रहता है भाई? अरे यार ये तो जिम का टीचर है, बहुत ज्यादा मारेगा, मेरे पीछे पड़ गया। गैरी तो भाग गया, मेरी बैंड बजवा दी भाई, मैं भाग रहा हूँ। भाग 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 भाग, हटो हटो सबके सब। चलो भाई इधर थोड़ा सा मामला ठंडा है, मैं आ चुका हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ अपना क्लासरूम में सोने के लिए। सॉरी क्लासरूम में नहीं, अपने बॉयज डॉर्म में। उस टाइम पे लग रहा है सारे के सारे बच्चे, अच्छा कोई भी नहीं सोया भाई, जगे हुए। क्या हुआ भाई, क्या हाल चाल? हाँ भाई निकले यहाँ से। चलो भाई सोने जा रहा हूँ भाई, देखो किसी को मारे पीटे बिना नींद भी तो नहीं आती है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और आज तो अपने पास बहुत सारे मिशंस हैं। हम लोग ये वाला मिशन कर सकते हैं जो कि है हेल्प गैरी। इसमें हमें गैरी का हेल्प करना है भाई, लेट्स गो करते हैं। ओह बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा है मुझे भाई। ये गैरी का मन है कि ये पूरे स्कूल पे कब्जा कर ले, से स्कूल का डॉन बन जाए। भाई ये बहुत खतरनाक बंदा है, ये कहने को भले छोटा सा है बट ये इसका पूरा ड्रीम है स्कूल का सबसे बड़ा डॉन बनना। पर ये डॉन बनता है या जिमी डॉन बनता है या फिर दोनों डॉन बनते हैं वो तो आगे चल के पता चलेगा, बट पता नहीं अभी मुझे गैरी कहाँ पर लेकर जा रहा है। हमेशा ये मुझे ले जाता है भाई, खुद तो कुछ करता नहीं है, हमारी लड़ाई करवाते रहता है यार बंदों से। क्या हुआ अबे भाई इनसे, अबे
मार 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 भाई, इसने तीन लड़कों से गुस्से में है भाई। मैं रुक जाओ, थोड़े से नई टेक्निक दिखाता हूँ इन्हें। इधर आ भाई, तो यूं करके ये ले। इधर आ भाई साहब, ऐसी ट्रेनिंग कर रखी है ना, किसी को नहीं छोड़। चलो एक ढेर मार गैरी, तू एंड कर। मार दे मार दे मार दे। अबे मार, अबे मार ना यूं करके। चलो मीट गैरी बाय द बेसमेंट। अबे कहाँ ले जा रहा है भाई? स्कूल के बेसमेंट भी है। ओ भाई भाई, हाँ याद आया, इस स्कूल में बेसमेंट भी, और ये पता नहीं मुझे कहाँ लेके जाना चाह रहा है भाई। ओ भाई वाओ, एक सेकंड भाई, कुछ तो बहुत ज्यादा गलत मैटर होने वाला है। ओके मुझे स्केच को ओपन करना है। ये ले, लेट्स गो भाई। पता नहीं ये गैरी को आज क्या हो गया भाई, बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है। अच्छा मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, बट मुझे वो स्विच डाउन करना है। रुक जाना, मेरे पास स्लिंगशॉट है। ओह सॉरी सॉरी। ओह वाओ, रूम को मैंने गिरा दिया, गेट खुल चुका है। चलो भाई अभी तो खुद कर लेना सब काम, मेरे से क्यों करवा रहा है भाई, बहुत चंट बंदा यार। ओ वहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जाऊँ क्या मैं नीचे से? तो चलो भाई नीचे लेट कर चलते हैं आराम से दूसरी साइड पे, और इसको ओ करंट लग जाएगा भाई यहाँ। लेट्स गो, दरवाजा ओपन हो गया, फटाक से यहाँ से भाई बाहर निकलता हूँ मैं। भाई ये गैरी सारे काम हमसे करवा रहा है यार, खुद तो ये कुछ कर नहीं रहा, हमें चाह रहा है हम सब करे। ओके ये क्या है भाई, पंपकिन फोड़ दुके सारे भाई? इतने सारे पंपकिन है, मैंने सारे के सारे फोड़ डाले, थोड़े बहुत और बचे हैं क्या? तो देखो अभी सीन ऐसा है ना कि हमें यहाँ से ऊपर जाना है, बट इधर इतनी ज्यादा हवा आ रही है कि हम लोग ऊपर नहीं जा सकते, तो उसके लिए हमें इस स्टीम को बंद करना है और फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए होगा। कहाँ पर है अच्छा ये है क्या फायर एक्सटिंग्विशर? रुक जाओ भाई, ये गैरी बहुत ही चंट बंदा है, सारे काम ना हमसे करवा रहा है। चलो भाई इस आग को मैं बुझा देता हूँ ताकि उधर स्टीम आना बंद कर दे। चलो भाई बुझा दिया, लेट्स गो भाई। तो भी मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, ये कहाँ जा रहे हैं भाई, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। एक सेकेंड, ओ वेट भाई, इस स्कूल के नीचे एक बहुत ही बड़ी रिंग बनी हुई है, नाला है क्या ये? ओह कहने को तो एक सीवेज सिस्टम है, बट इन्होंने इसे बॉक्सिंग रिंग टाइप बना रखा है। भाई हम लोग एक समझ लो फाइट क्लब में आ चुके हैं, अब गैरी और अपनी लड़ाई होने वाली है क्या? ओके ये कह रहा कि या तो तुम इस स्कूल के डॉन बनोगे या मैं बनूंगा, पर कोई एक बंदा बनेगा, और ये खुद नहीं लड़ रहा भाई, हमसे लड़ने के लिए रसल को भेजा भाई। ओ भाई बहुत ही ज्यादा भयंकर लड़ाई होने वाली है। ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, हाँ निकल यहाँ से, मैं इससे ना भाग भाग के लड़ूंगा, भले ही वो पावरफुल हो बट उसके अंदर मेरे जितना स्टैमिना नहीं है। तो इधर आ, ओ तेरी, ओ भाई, अरे नहीं यार इसको मारना इजी है वैसे, नहीं नहीं थोड़ा सा बचूंगा ना मैं, ये पॉइंट पे से मारना इजी है, थोड़ा सा मार के मेरे को से भागना चाहिए, बच गया। इधर आ, अरे बहुत इजी है इसको मारना, चल हट यहाँ से, अभी देखो जैसे भाग कर आएगा ना मुझे मारना, आजा आजा मार, आना हट यहाँ से। ओए ओ नहीं, ये वाला नहीं। ओए यार ओ भाई, बराबरी की लड़ाई चल रही है, वैसे जिम्मी भी कम नहीं है। अरे भाई क्या कर रहा है, रुक जा, हेल्थ नहीं कम होने दे। इधर आ बढ़िया, ओ नहीं 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 नहीं, इधर आ, मार गया मार गया मार गया मार गया मार गया मार गया, बस लेट्स गो। बहुत बहुत चौड़ा हो रहा था, बहुत चौड़ा हो रहा था भाई, मार डाला रसल को भाई। गैरी सच में बहुत चंट बंदा है भाई, ये बढ़िया बंदा है भाई, जिमी बढ़िया बंदा है भाई। ये देखो अभी रसल और जिमी तो दोस्त बन चुके हैं, चैप्टर 1 खत्म हो चुका है भाई, और अभी हमारे लिए गेट खुल गया है भाई, लेट्स गो भाई। प्रिंसिपल से भी बातचीत हो रही है यार अब तो अपनी, लेट्स गो भाई। अभी जो थोड़े बड़े बड़े सीनियर लोग हैं वो लोग भी हमारी इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि हमने रसल को पीट दिया भाई, उस बंदे का बहुत नाम था स्कूल में। सही है यार, देखो मैंने कहा था ना आज हम लोग कुछ ना कुछ अपनी इज्जत बना के जाएंगे स्कूल के, काफी सबसे बड़े तो नहीं, मतलब एक ठीक ठाक लेवल का डोन था जिससे बहुत लोग डरते थे, आज हमने उसको मार दिया है भाई, मतलब जिंदा तो नहीं मारा, फाइट में हरा दिया है, और वो भी अपना दोस्त बन चुका है। बट गैरी जो कि भले पावरफुल ना हो बट उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि उसके पास उसके दोस्त यार बहुत तगड़े तगड़े हो जो कि हमें बाद में बहुत प्रॉब्लम दे। तो फाइट तगड़ी चलने वाली है, मजे बहुत आने वाले हैं, बट साथ के साथ हमें थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। बाकी सामने जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई स्कूल के गेट खुल चुके हैं भाई, क्रेजी भाई क्रेजी। तो चलो गाइस आज के सारे वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो जाके वीडियो को लाइक कर दो। चैप्टर 1 खत्म हो चुका है, चैप्टर 2 चालू हो गया, तो आप लोग ऐसा कह सकते हो अभी तो बस शुरुआत है, अभी जिमी स्कूल से बाहर निकला है, अभी तक बस स्कूल के मिशंस कर रहा था, बट अब स्कूल के बाहर भी काम वाम चालू हो जाएंगे, स्कूल के बाहर के मिशंस होंगे, टास्क होंगे, कभी कभी क्लासेस के टाइम पे स्कूल के बाहर घूमेंगे। अभी तक हमारे लिए दिक्कत टीचर थे, बट अभी अपने लिए दिक्कत पुलिस भी होने वाले, तो बहुत मजे आने वाले हैं, सीरीज में बने रहना। फिलहाल आज के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो इस टाइप की मजेदार गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।